अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद शाहिद और आप देख रहे हैं एमएसके ब्लॉग। आज की वीडियो में प्यारे दोस्तों, हमारे और आपके प्यारे आका सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कयामत के आने से पहले कुछ निशानियां जाहिर होंगी, तो इस वीडियो में हम आपको वो निशानियां बताएंगे। और अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन यानी घंटी के बटन को जरूर दबा दें। वीडियो को शुरू करते हैं। तौहीद व रिसालत की तरह कयामत पर ईमान लाना दीन के लिए बेहद जरूरी है। जो आदमी कयामत का इनकार करे वो खुला हुआ काफिर है। हर मुसलमान के लिए इस अकीदे पर ईमान लाना फर्ज है कि एक दिन ये जमीन आसमान बल्कि सारा आलम सारी कायनात खत्म हो जाएगी और उसी दिन का नाम कयामत है। कयामत से पहले कुछ निशानियां जाहिर होंगी, जिनमें से कुछ निशानियां ये हैं। नंबर एक, दुनिया में तीन जगह आदमी जमीन में दसा दिए जाएंगे। नंबर दो, दुनिया से इल्म यानी दीन का उठ जाना। नंबर तीन, अज्ञानता बढ़ जाएगी। नंबर चार, मर्दों की तादाद कम हो जाएगी और औरतें बहुत ज्यादा हो जाएंगी, यानी एक मर्द की सरपरस्ती में 50 औरतें होंगी। नंबर पांच, अरब में खेती बाग और नहरें जारी हो जाएंगी। नंबर छह, दीन पर कायम रहना इतना ही मुश्किल होगा जैसे मुट्ठी में अंगारा रहना। यहाँ तक कि आदमी कब्रिस्तान में जाकर कहेगा, काश मैं इस कब्र में होता। नंबर सात, लोग दीन का इल्म पढ़ेंगे मगर दीन के लिए नहीं। नंबर आठ, मर्द अपनी औरत का आज्ञाकारी होगा और अपने माँ बाप का नाफरमान होगा। नंबर नौ, मस्जिदों में लोग शोरगोल मचाएंगे। नंबर दस, गाने बजाने का रिवाज बहुत अधिक हो जाएगा। नंबर 11, अगले लोगों पर लानत करेंगे और बुरा कहेंगे। नंबर 12, जानवर आदमियों से बात करेंगे। नंबर 13, जलील लोग जिनको तन का कपड़ा और जूते नसीब न थे, बड़े बड़े महलों में गर्व करेंगे। नंबर 14, समय में बरकत खत्म हो जाएगी, यहाँ तक कि साल महीने और महीने हफ्ते और हफ्ते एक दिन की तरह गुजरेगा। तो आप दोस्तों को वीडियो कैसा लगा है? तो वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दें और अपने हमारे चैनल